जैसे ही प्रियांशु लोग हल्द्वानी पहुंचे अपने साथ बारिश भी लेके आ गए, तो ये बैग बाहरी क्यों रखा है? ऐसे घर की बस में आ रही है। क्या आया घर से सामान दिखा लो। क्या क्या ये कहाँ मार के लाए? धनिया वाला था। अरे धनिया वाला हालन निकला को मतलब हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो दिन की शुरुआत होगी है हल्द्वानी से, अपने घर से। सो देखते रहो ब्लॉग, बहुत मजा आने वाला है। और हल्द्वानी का मौसम भी बदल गया है और आज आने वाले हैं प्रियांशु लोग घर से हल्द्वानी। तो सुबह के टाइम एक घंटा पूरी बारिश हुई, तो उसके बाद लगातार धूप है। 11 बजे से 12 बजे तक बारिश हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे बादल हटे तो आप पूरे साफ हो गए हैं, पहाड़ों में लगे हुए हैं। पर मौसम आज बढ़िया है, जैसी धूप आई तो थोड़ा उमस टाइप की हो रही है, पर उतनी गर्मी नहीं है। आज 32 है टेम्परेचर। तो चलते हैं खाना खाने के बाद अपनी दुकान में। तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रियांशु लोग, भाई भाभी प्रियांशु सब साथ में आ रहे हैं। भाई भाई आ रहा है अपनी बाइक से, वो आ रहे हैं टैक्सी से। तो मैं बना रहा हूँ खाना, खाने में वही चने और मलके की दाल और चावल। तो जल्दी से बना देते हैं, आधे घंटे में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो आधे घंटे मेरा खाना भी बनके हो जाता है तैयार। तो दाल भी बन गई, चावल भी रख दिए हैं पकाने के लिए। अब चावल पकने का इंतजार, दाल को कर देते हैं बंद। ये आ गया प्रियांशु हमारे घर से, और गर्मी के साथ नहा के सीधे टीवी देखने लग गया है। इधर तो आ, हाल चाल तो बताएगा घर के। आजा, टीवी बाद में देखेगा, आजा। और भाभी गई है ना। जैसे ही प्रियांशु लोग हल्द्वानी पहुंचे अपने साथ बारिश भी लेके आ गए। बारिश तो परसों भी हो रही थी, पर आज इनके आते ही बारिश होगी। बारिश कहाँ हो रही, हवा चल रही है यार। हाँ हाँ, हो रही हो रही हो रही। देखिए हवा भी चल रही है। अब नहाएगा तू? चल देख के आते हैं बाहर। तूफान भी चल रहा है और बारिश की बूंदे भी गिर रही हैं। ये देखे। ये देखे। चल 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 अंदर, चल अंदर चल। तो आते ही हैं हल्द्वानी, आते ही बारिश भी ले आए। पर अब कल से पता चलेगा गर्मी कैसी होती है। तो ये बैग बाहरी क्यों रखा है? इससे घर की बदबू आ रही है ध्वारान। तो इसको कली अब कल को धो के अंदर रखेंगे। ये दोनों नहा के आ गए हैं और एक एक परत इन्होंने घर वाली निकाल दी। अब धीरे 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 3-4 दिन लगेंगे। तो कैसा लग रहा है, गर्मी लग रही नहीं हल्द्वानी में? चलो आप खाना खाते, मैंने खाना बनाया है। चलो तुम सफाई को तो देखना, चमक चमका रहा हो ये। आप खाना खाते हैं भाई, जैसे ही नहा के आता है तो फिर खाना खाते हैं। और बारिश हो रही बहुत तेज, और बढ़िया हो गया मौसम आज। फिर से एक बार दिखाते, जाने का मन ही नहीं कर रहा है अंदर। डांस कर दे। चले आया घर से सामान, दिखा लो क्या क्या है। ये भिंडी आई है घर से हमारे खेत की, स्पेशल हमें भवरी आ रही है। मैंने तो कच्ची कच्ची उखा के खाई। ये बेचा हुआ हमारा अमल अचार, ये आ गया घर से आम का अचार। और तुम तो बोल रहे थे खाओगे ही नहीं। खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, तुम तो बोल रहे थे खाओगे ही नहीं। और अच्छा मैं आड़ कट जाल लिया, मैं काट दूं ला। नहीं नहीं
ये दही दूध दूध भी एक किलो घी बुआल है बुआल अच्छा तो ये आ गया घर से सामान दही दूध तो नहीं आया ना दही छाछ घी दाल सब्जी चलो अब खाना खाते थे राम जी बताना कैसा हुआ है चाचा ने कैसा बनाया करके ये कहाँ मार के लाए क्या धनिया वाला था अरे धनिया वाला हालन सीखला को मतलब अच्छा हो रहा है ये खाना बनाया मैंने नमक हो रहा है बिल्कुल मेरे साइज का हुआ है साइज का तो घर से आते ही आम खाने लग गए हैं कैसे हो रहे प्रियांशु बहुत टेस्टी मजा आ गया घर खाबा आम पेड़ में जो आम है ना हमारे वो हरे ही हैं अभी वो 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 फट रहे हैं वो पकेंगे अब उसके बाद हाँ, किसके बाद हरेले के बाद हरेले के बाद अगले महीने तो यहाँ के आम हाँ कौन लगना किसके हरी इल्ला ये लगना घर चौंग दरवाज़ खोल बे बिहार का गया ये सब चिंगार यहाँ पे एसी चली हुई है ना तब हो रहा है चलो उमस वाल गर्मी हाँ और भाई चले गया है ड्यूटी हम लोग खाने लग गए आम तो इतनी तेज बारिश आ गई आधा घंटा हो गया है पहले हल्की हल्की थी अभी देखो इतनी तेज हो गई है